ज्ञान प्रमाण रूप हो जाए तो जीवन भी प्रमाण रूप हो जाए। ज्ञान प्रमाण हो जाए और जीवन अप्रमाण रूप रह जाए ऐसा नहीं होता। एक दृष्टांत दिया था पहले हमने, देखो गणित का होशियार विद्यार्थी उत्तर मलाजी करके उत्तर मिलाता है, अपने उत्तर मारांडी का उपकम लगी ऐसा तो कर जाने, लेकिन उसका उत्तर उत्तर मारांडी मिले बिना रहता है। हमारी परिणति भी हकम से मिले बिना रहना नहीं चाहिए। जैन शासन की प्रभावना हो स्वामी ने दोष, जैन शासन की प्रवना निर्दोष हो ये तो तुमने पढ़ा, और वासन निर्दोष हो हमारा ये कौन पढ़ा, ये हम ये भूल है। देखो मन पर आए जिन वाणी मिली सुनने का अवसर मिला काम मिली अष्टवार में खेलेगा एक कान वालों सुन लो, अगर कान हो तो सुन लो, नहीं तो कान नहीं मिलेंगे। क्या कहा, एक कान वालों भाग्य से कान मिले, इतने जीवों का नहीं है सुन सकती थी। विचार करने की बात तो अधूर है, लेकिन सुन करके विचार करना कान मिले सुनने के लिए नहीं अधूरा वाक्य। कान मिले हैं जिन वाणी सुनने के लिए, सुनने लायक सुनने के लिए, इस पर हमें मिला है स्पर्श करने के लिए नहीं, स्पर्श योग्य स्पर्श करने के लिए स्पर्श मिली है। भगवान के चरणों का स्पर्श करो, इसके लिए स्पर्श मिली है, स्पर्श मिली इसके लिए नहीं, क्या करेगा स्पर्श कर दी थी नहीं मिली काय के लिए चखने के लिए बोले, क्या कुछ बोलो क्या कैसे बोलो और क्या कुछ खाओ भी, इसके लिए रसना इंद्री नहीं मिली तुम्हें नहीं मिलाई। एक इंद्री जीव होती है कि नहीं होती, दो इंद्री जीव होती कि नहीं होती, रसना नहीं मिली काय के लिए मिली। योग्य अयोग का विचार तो करो, रसनाई मिली है भगवान के गुणानुवाद करने के लिए, सत्कार्यों की प्रशंसा करने के लिए, रक्त वचनों की प्रशंसा करने के लिए, सत पुरुषों का गुणगान करने के लिए। आप पढ़ दिया एक बात
पावन में दर्शना मानी, पावन दर्शना मानी पुरुषार्थ का दूषित क्यों कर रहे हो अपनी रचना को, क्या कुछ बोल करके बोलने के लिए मिली भाई, क्या कुछ मत बोलो, ए कैसे बैठे ये मत को पहले एक बात कही थी, ये भी नहीं साधन का समूह है, स्वयं समुद्र स्वयं तो स्वयं परिवार का हमारी मम्मी हमारे पापा, अरे तुम कह के क्या बन गए, कब से विद्वान बन गए, कहाँ से ज्ञानी हो गए, ज्ञान दे अपनी तहन अपना, हमारा घर हमारा व्यापार हमारी मम्मी हमारी पापा हमारी बच्चे, कब समझोगे हमारी देव सास गुरु, कब समझोगे इन धर्मातनों को अपना, कब समझोगे आत्मा को अपना, साहुकाचार का एक वाक्य बोला है तो पहले अंत वक्ति में और सम्यक दर्शन में नाम भी है, क्या मतलब बस सुन ली, क्वेश्चन ये बोले दिमाग काम नहीं होता, दिमाग काम न घोषा हुआ हमारा दिमाग अभिमान तो बहुत है, हम सब सोचे या कुछ दिन बाद दिमाग और भी काम नहीं है, हम लोग केवल प्रवचन करने के लिए, आपने एक दृष्टांत पढ़ा हुआ यहां भी दिया, पर्दा भी चिंडर कर एक दीवार साफ करता रहा, एक चित्त का चित्र बनाता, तुम्हारा तो कुछ बना ही नहीं, क्या कोई बात नहीं कभी पर्दा जब हटेगा तब देख लें, उसने घिस घिस करके दीवार को इतना साफ कर दिया, दर्पण जैसी चमकने लगी, उसमें सारा प्रतिबिंब झलक है, सही बात है, अपने दोस्तों को दूर करो, शांति तुम्हारी तुम्हारे पास है, ज्ञान तुम्हारा तुम्हारे पास है, कौन ऐसा होगा जो यह कहेगा ज्ञान बिना सुख होता है, बोलो कोई कहेगा, लेकिन ये बात भी समझना चाहिए सुख बिना ज्ञान नहीं रहता, इच्छा पूर्ति के लिए जो ज्ञान मचलता है उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहेंगे जो इच्छा के अभाव में लगे आत्म स्वभाव का आश्रय करे, उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, ये तो हम जानते हैं, पहले भी कहा था मैं जी हूं, ये तो हम जानते हैं, इसका नाम जानना है, उस जीव के ज्ञान में समस्त ज्ञान अंतर कर लेते हैं, ये तो हम जानते, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं, अच्छी बुरी कल्पना कहां से आ गई, तुम तो कह रहे ये तो हम जानते, विचार करो ऊपर की भाव में नीचे के भाव अंतर गए देते हैं, जैसे भावना जब कही तो बात चला गया,
आपके जीवन में बासल नहीं हुआ तो आप प्रवना कभी नहीं कर पाओगे। बासल है तो वही प्रवना, निर्दोष प्रवना कीजिए, निर्दोष बासल चाहिए। दुनिया मतलब किया, दुनिया मतलब की तो मतलब क्यों खाते, तुम्हारा भी मतलब नहीं सज रहा इसलिए तुम कह रहे दुनिया मतलब किया। अब याद होते अपना कहने लगो। पहले एक दर्शन दिया, चार कपड़े अपने दादी घर पर, बेटा ये कपड़े धो देना, बेटी के कहा छोटी होटल नहीं जोड़, पापा ध्यान नहीं आ, दो चार गाड़ियां नहीं और कहा कोई की गाड़ी, बड़ी लाइट भी खड़ी खड़ी थी, उसने कहा पापा क्या कर रहे हैं कि बेटा चार कपड़ी गए तू नहीं धोए, लाम दो दिए उसने धोए और पेश करी, मेरी बेटी कहाँ से आ गई, मेरी सही भिन्न के न व्यवहार है कि आत्मा भिन्न है उसके साथ में सही भिन्न हो तब व्यवहार है, नहीं तो व्यवहार का है। पहले दिन जो अंकुरा निकला कहाँ गया, वो ही अंकुरा सोना बन गया। आज जो इतना मोटा तना दिखाई है इसका उस अंकुर बाल बराबर अंकुरा निकला था उसी का तना होना है। निर्दोष प्रवना के लिए निर्दोष बासल चाहिए, निर्दोष बासल के लिए इसे विचारण चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। पानी पिलाने के लिए हमें तो दोष खिर छुआएगा कौन, अब कौन बुरा माने, एक एक बात कोई मानता नहीं है, आए तो ही नहीं मानते हुए। बिंब का प्रतिबिंब होता है, ध्वनि की प्रतुनि होती है, संसार कूप के समान है, कूप में कुआ उसमें जो ध्वनि करोगे तो ही प्रतिध्वनि आएगी। मानते तुम नहीं हो, कहते हो जी नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये नहीं मानता, कुछ बातें हमें कहना समझ गए हो। योग का विचार करो, पहले रचना मिली है कि वो चकने के लिए नहीं है, बोलेंगे ये नहीं है, ये तुम्हें अधिकार कैसे मिल गया आप पुण्य गोदे में कि चाह कुछ बोलो पाप गोदे वाली। पुण्य के उदय में किसी को कुछ न समझने वाला पाप के उदय की एक ठुकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बेदिन नहीं रहे तो जे दिन भी नहीं रहेंगे, सोचो हमारा मतलब अंतर कर दे तो समझना चाहिए, क्या तुम खदम हो जो समय दर्शन अंतर कर भी समझना चाहिए। समय दर्शन के बिना वह चारित्र होता नहीं है, विचार से मोक्ष होता है, विचार को साक्षात धर्म कहा। हमने इनसे पूछा त्यागियों से, भैया
आत्मा की आराधना के लिए चकवती छकन का वैभव छोड़ करके जंगल में गया, काय के लिए हवा खाने गया हो, शिकार करने गया हो, नहीं, आत्मा की आराधना करने के लिए चक्रवर्ती छकल का वैभव छोड़ने के छोड़ करके जंगल में गए। आप क्या छोड़ना चाहते हैं ये बता, आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या छोड़ना चाहते, हमारी योनि, हमारे घर, हमारे पापा, ये नहीं छोड़ोगे, जिंदगी भर जी अट नहीं था, इसका बनता है ये भी कर सब। और जीसा जी, हमारा घर, हमारी मम्मी, हमारी पापा, और बड़ी शांति गाँव में झूठा जग व्यवहार रहते, अगर आपको पड़ता किसी भाई ने, बहन ने और आधी रोटी ज्यादा खिलाए तो शान शान जाएगी, हमने खवाई। बच्चे को ये कहेंगे अब नहीं, बीमार पड़ जाओगे और आपको खवाई, मेहमान को खवाई, जबरन और दे अगर कुछ खाई नहीं, जब हम प्रवण न कहें तो इनको अंतर्गत होना चाहिए, जब ब्रह्मचर्य कहें तो क्षमा माधव आज जब सत्य हो संयम तब त्याग अकिंचन, ये समझ जाए, नहीं कहें तो भी समझ जाए। जीन वाणी का एक नियम है, क्या शास्त्र में लगा हो तो भी शास्त्र समझना चाहिए, शास्त्री भाषा तुम बोलो, अनुप समझना चाहिए, बिना कहे हुए ही समझ लेना चाहिए। विश्व का ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो शास लगाने से समझ न हो जाए, अग्नि ठंडी होती है, गलत है सही, गलत आप कहोगे हम कहेंगे सही, शास लगाए चित्त की अग्नि, सूर्य स्वप्नों में माता ने अग्नि का स्वप्न अधिकार देखा, गर्म है सबने की अग्नि और चित्त की अग्नि, पांच पांडवों के ऊपर उपसर्ग करने वाला वो कड़े गर्म करा, कौन सूर्यधन, सूर्यधन का भांजा उनको पहना, अग्नि कैसी स्थित वाली, गर्म में ठंडी, तुम तो कह निकल, कौआ कैसा होता है काला, और कौए क्या कौए का खून, फिर कैसे कहते हो सब काला है, मुख्यता भी नहीं तो कौआ भी पंजवानी है, कौए का खून लाल है, कौए की हड्डी सफेद है, और कौए काला, बुरा कहू क्या, बुरा कहू, संसार दुखमय है चाहता, ज्ञानी को दुख नहीं है, लिखा ही नहीं, इस जग में
वे ही सुखी हैं जो ज्ञानी हैं। लेकिन ज्ञानी संसार में रहेंगे नहीं, जब आपको चर्च कहा जाए तो सम्यक दर्शन अंतर कर समझना चाहिए। आप लौकिक क्षेत्र में इनका प्रयोग करती हैं, अंतिम डिग्री डिग्री उसमें नीचे की डिग्री अंतर गर्भित है, अपने कहाँ तक बड़ी कहने की हमने तो बीए किया कि नहीं, इंटर पास किया कि नहीं, जब एम ए किया तो ब्रह्मचारी हुए सरल नहीं हुए, ब्रह्मचारी हुए अक्षम नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ब्रह्मचारी हो जाओगे तो मालूम पड़ेगा क्या फर्क पड़ता है। इससे मालूम पड़ता है प्रजोन की स्त्री बोली तुम्हें बैराग हुआ तो यहाँ क्यों आए, तुम्हें बैराग हो तो आ जाओ, हम तो जा रहे हैं। कहाँ क्या दीक्षा ले गुरु के पास, कहीं भी धन बढ़ता है तो कहाँ भगो शहर में, बैराग बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ोगे। आपके विचार बदलेंगे सब कुछ भी, सिंह नहीं आई समय दर्शन हुए लेकिन विचार बदल जाए। एक चरण का आपसे बोला हमारे तुम्हारे खून में क्या अंतर है, अरे खून में अंतर नहीं है संस्कारों में अंतर है। तुम्हें जिसको करे में कर कोई ज्ञानी नहीं, उसको हमें सोचने में ज्ञानी है। तुम्हें करने में कर हम करें देश भूषण कुलभूषण को क्या अपराध हुआ, बैराग क्यों हो गया। देश भूषण कुलभूषण राजकुमार जी उनको बैराग क्या हुआ, कोई निर्णय नहीं मानी। मन के पाप में अज्ञात पाप में इतनी ज्ञानी की दीक्षा लेकर ये जाएंगे, इतनी ज्ञानी कभी हमें वचन काया के पाप में भी होती नहीं, हम मानते हैं हम ज्ञानी हैं, हम समी व्यक्ति हम धर्मात्मा हैं, हम मुछू हैं, समझते और अगर हमने कुएं का पानी पी दिया और चक्की का आटा दिया तो हम दोनों पक्के हो गए, तो धर्म पक्के धर्म पक्के जैनी डॉक्टर ने कहा ये तो रात में खा लेंगे, हम तो रात में कभी खाएंगे। जानते हो रात कैसे कहते, मुंह का नाम राति और ज्ञान का नाम प्रकाश। माने मैं खाने वाला हूं, दिन में खा रहे क्या रात में, फिर मन का भी आप सोचो क्या बातें भी करके बैठ गए। लेकिन भैया ये बातें ऐसी बातें हैं, इन बातों को समझे बिना हमारा स्वाध्याय भी करोगा,
এই ভয়টা মানে এত সময় দিয়ে রহম চলবে না, इन ब्रह्मचारियों को ये लगता है कि हम झूठ बोले, हम कुटिलता का व्यवहार करते, कहते कोचे मन में सोचते कोचे, लगता ही काया दिया आगम से हमने उसे कहा था शांत हो गया, हमने कहा दी वही कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें लगना तो चाहिए जरूर हो गई कचोई खाना पीना नहीं छूटी देर हो गई जो हुई और ले ली और खा देर हो गई हो जाने हम ये कह रहे हैं दीर होना चालीस का दोष है, लेकिन दीर को दीर नहीं होना ये श्रद्धा का दोष है कि नहीं? हम श्रद्धा भोगी हुए इच्छाओं की पूर्ति के लिए में चले और सोचे हम अपनी आराधना करें आलोचना ऐसी नहीं होती जैसे मान लिया, स्पष्ट का बात है भाई भैया ब्रह्मचारी को सभी होना चाहिए, क्रोधिक कैसा ब्रह्मचारी, मानी कैसा ब्रह्मचारी, कुटिल कैसा ब्रह्मचारी, यहां बैठ गए हम और समय सारा लिया और चित्त पर आकर भी हमारा खाना पीना जैसा का तैसा, सुविधाएं जैसी जैसी, भोग जैसे जैसे, तो अपन हम कैसे रहेंगे जैसे ही तैसे, उसे कोई संबंध नहीं, संबंध तो ये है भैया करता कर्म संबंध होता है, एक निमित्त निमित्त संबंध होता है, क्या रूप में खड़ी हो जा क्या होगा, एक जब दूसरे जब को प्रभावित नहीं करता, सही बात है, जाओ तुम में खड़ी तो हमें सजा हो हमें तुम में खड़ा कर दिया, क्यों एक दब दूसरे दब को करता दाता करें, और करता तो मनोगे पर करता कौन बनेगा, समित दृष्टि को बन नहीं होता तो हम मित्र दृष्टि चीतन कर बने, इसका मतलब ये हुआ ते संकल्प गति मित्र दृष्टि और बने तो मित्र दृष्टि चीतन करोगे, समित दृष्टि को नहीं होता, अरे समित दृष्टि को भी पुरुषा सिद्धि पाए में क्या देगा, जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में बंध नहीं है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध, हम ये नहीं कह रहे क्या करो क्या नहीं करो, हम ये कह रहे क्या मानो क्या नहीं मानो, पूरी ताकत अपनी दृष्टि सुधारने में लगाओ, अगर दृष्टि सुधर गई तो कर्म सुधर गया भव सुधर गया, दृष्टि नहीं सुधरी तो गया अंगना का शून्य के नहीं, एक शून्य बराबर शून्य दो शून्य बराबर अंक कोई नहीं, दो शून्य बराबर तीन शून्य
लाखों सोने का दीवार नहीं बन सकती इकाई, लाखों सुन लगाए एक दो तीन चार पांच छह लगाते आप कुछ तो पुण्य होगा। यहां बैठे वहां से तो अच्छी है, कोई कहे तुमसे गदा से घोड़ा तो घोड़ा अच्छा है, गजे उड़े की बात कर ली। हम कहें ये सोने से तो खराब है, पीछा से तो अच्छा है, बात पीछा की नहीं है, बात सोने की है। हम जीवन को कहां से मिला रहे, हजम से मिला रहे या इनसे मिला रहे? जो भगवान के दर्शन रोज करे और सोचे कभी नहीं सुने वो भी ये कहेगा, जो मन में नहीं आते उनसे समझ, उनसे कौन पूछा है? तुम्हारे मन में ये विचार क्यों नहीं आता? जिंदा था आत्मा का चिंतन, उनसे हम अच्छी कहाँ हैं? उनसे तो अच्छी एक रेवा डाली बेस्वादी का थी, हम कम से कम स्वाध्याय करती। अरे भैया स्वाध्याय करो, नहीं करती बेटी स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय को सार्थक भी करो, जीवन पूरा होगा लेकिन जीवन को सार्थक करो, सफल करो। अगर पीर पर फल नहीं आए तो क्या होगा? बेकार पीर मैं तो बेकार कहोगे कि नहीं? जीवन में अरे कवि ने इतना फटकारा कुछ कहने की नहीं। और एक कविता पढ़ती पुजारी को बना दे पूजोगा पूजन कहता है, मिटा दे साध साधन भीख व साधन कहता है। उस कविता में क्या लाने आए? वह जीवन क्या जिसका मोह आलसी स्वामी हो, वह जीवन क्या जिसकी दुनिया में ननेक नामी हो, वह जीवन क्या जो चल संयम में हरामी हो, करे उपकार निज पर का वही जीवन का आता है। जीवन तो वह है निज पर का कुछ उपकार बन सकेगा। एक माँ ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा तुम बताना कौन था तुम्हारे देश का कोई नेता होगा? एक माँ ने अपने बेटी से पूछा, बहुत दान करता था। एक दिन पूछे भी अचानक, बेटा तुम्हें सोने का बाढ़ मिल जाए तो कितने दिन में दान करोगे? कि हम तो दान कर देंगे उठाने वाला, ये दे देर में उठा लिया। कहीं तो सीमा बनाओ, 1 करोड़ रुपया महीने क्या मनी है? अरे घर बनाए कलंक है के बस देखने और दिखाने के लिए कुन स्वामी भूल गए होंगे। दसवें एक वक्त को एकत वक्त है, आत्मा ही देखने लायक है, वही दिखाने लायक है। उसी को बड़ी समय देखो, उसी को दिखाओ। लेकिन हम तो घर दिखा रहे अपना, ये बात हूँ मैं। अरे भगवान दिखाई जाएगा, ये
آج رات کی لیٹن بنوائے تو جا ہمارا ایک لڑکا ہمارا امریکہ میں ایک لڑکا لندن میں ایک لڑکا بمبئی میں اور ہم اور پھر کہیں کوئی بننے دینے والا نہیں ہے اور جب تک دم رہی تب تک یہ کہو گے ہم نے سر نکل دو اور پھر کہو گے کوئی پانی دینے والا نہیں ہے آپ نے مکان بنایا گاؤں میں اس نے بنایا شہر میں ناچی نے بنایا وہاں اور بڑی شانتی کہو گے پوری زندگی مکان بناتے بناتے گئی جب آپ 35-40 ورش کے ہو پائے تب زمین خرید پائی اور پھر بنوایا گیا پینٹنگ کرائی اور پھر چھوڑ کے چل بن گیا ہے تاتا کے سامان کوئی کنجوس نہیں ہے کنجوس کے سامان کوئی تاتا نہیں یہ بن گیا داتا کے سمان کنجوس نہیں کیوں اس نے یہاں بھی اس وقت میں بھی کام کیا اور یہ سوگا کھانے کا آنند پہلے کا تھا اور کھلانے کا آنند الگ بات ہے کھانے کا آنند اور کھلانے کا آنند بتا ہر کھلانے والا یہی کہے گا ہماری زندہ مت کرو مشن پرسن 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور تو بھی کچھ نہیں تم نے کچھ کھاؤ کہ ہماری زندہ مت کرو اس کا ارتھ نہیں سمجھا پاتر دان کی سمان دان نہیں ہے جین درسن میں یوگ اور ایگ کا مہتو سمجھنا چاہیے جو جین ہو کر کے بھی یوگ پر دھیان رکھنا نہیں رکھتا وہ جین کا ہے نالی کا پانی صاف بہرا پیا نہیں ہم پیئیں گے کنویں کے پانی کے لیے بالٹی چاہیے لوٹا چاہیے اور دودھ چاہیے اور جام کچریں گے سیدھے سیدھے لیکن نالی کا پانی پینے لائق نہیں ہے آپ کہو گے یہ نہیں جیسے نالی کا پانی پینے لائق نہیں ہے بازار کے کھانے پینے کی سامگری آج کھانے پینے لائق تو رہی نہیں سامان لوگوں کی ان کے ہاتھ میں کیا بھی ہے کیا بھی جن کو آپ کے سواستھ سنسکرتی سے اہنسا سے کوئی مطلب نہیں ایک چیز بتاؤ یار کھانے لائے کہیں گے نہیں کب تک کھاؤ گے ایک لڑکی سے ہم نے کہا بہت پہلے کی بات ہے بھیا سواد ہے وہاں پر تمہیں وہ پٹیا پر کچھ کام کراؤ اس نے کہا پنڈت جی ابھی ہمارے کھیلنے کھانے کے دن ہم نے کہ کھیلنے کھانے کے دن خوب کھیلو لیکن پیڑ کریں اس کی عمارت میں ارے یہ تو ٹھیک ہے جوا کھیلنے کے دن
کھانے کے دن ہے تو عورت بھی کھانے کے دن. یہی دن سنبھالنے کے بھی ہیں, کھلنے کھانے کے نہیں ہیں. اور کھلنے کھانے میں یوں کہ لگاؤ گے کہ نہیں, کیا کھاؤ گے؟ جو تمہارے سواستھ کے بھرپور ہے, جو تمہارا سنیم کا راج کرنے والا ہے, وہ کھانے لائق نہیں ہو سکتا. یہ تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں. بھیا پیٹ سے پونچھ کراؤ, یہ تو پونچھ نہیں. بیمار پڑو کائے کو پڑو, درد ہو رہا ہے کوئی بات نہیں, ڈاکٹر نے کہا سن کہ تم ناشتہ بند کرو, بھوجن بند کرو, چار دن کیول چار دن اور ٹھیک ہو جاؤ. آم دوست ختم ہو گئے اور درد بند ہو گیا. کیا یہ تم نہیں کر پائیں گے تو جن نہیں کر پائے تو ان کا درد. کتنے ہی لوگوں جڑ پیٹ میں ایک بار, بہت چھوٹی سی بات ہے, ویسی دیکھ سولی سنو. ہم نے سنے کا سنے, ہم نے سنا اٹھی رہا سب کو لے رہا سنانے کا ٹھیکہ لے لیا. اب سنیں گے ہم کہتے رہیں اور تم سنتے رہو. ایک شبد مت بولا, ہم کہتے رہیں تم سنتے رہو. بچوں کو ہم کا منتر بال بوجھ ایسے بڑھانا جیسے بچوں کے مادھیم سے تم بڑھائی, دینا تھی لگن تھی جیسے یہ پین لینا پین کر اوجے میں اور پین ہوئے بولی تمہارا پین تو تمہاری جیب میں, تمہاری گاڑی تمہارے ہاتھ, تمہارا ہم چشمہ لگا اور چشمہ ڈوبے تو کیسے بتاؤ کہ تمہیں تم اور یہاں لگو ہے گاڑی تمہیں یہاں ہے؟ کہو گے یہ نہیں آتما اشوک جان پہلے بھی ہم نے کہا تھا, یہاں بیٹھ گئے بکتا ہو گئے, یہاں بیٹھ گئے سوتا ہو گئے, گیاتا کب بنو گے؟ مزہ آ گیا ہنسی ہنسلے منورنجن کا سادھن بنا ہے ہم نے. یہاں بیٹھ کر گی سوتا, یہاں بیٹھ کر گی بکتا, گیاتا کب ہوئے؟ بکتا سوتا کے لکشن دکھائے ٹوٹا مجھے اتم رس کا رسیا بچن شاستر کے بولو رہتی کا وقت ہوتا ہے. یہاں بیٹھے گا ادھیاتم کا رس ہوگا تو جن شاستروں کا رہتی کہہ پائے گا, نہیں تو شبد کہہ دیا شبد ارتھ کر دیا دستانت یہاں سے وہاں. اور ہم نے بہت بڑھیا بولو, ارے ہم نے بولا کئی جھونٹ ہے. میں جھونٹ کا بھی نہیں بولتا. ارے تم بولتے ہو اجے جھونٹ ہے, جھونٹ ہے سچ. میں بولتا ہوں اور ہم کہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے. میں بولتا ہوں یہ جھوٹ ہے,
میں کھاتا ہوں میں چلتا ہوں میں پھیرتا ہوں یہ یوں جائے گی نہیں. پنڈت بنس کی جات میں سمسار ناٹک میں کیا دیکھا چھوٹی کرنی آچر ہے چھوٹی پرو کی آہ چھوٹی بھگت یہ در ہے چھوٹی پرو کو داس کیا بات ہے چھوٹی مندر آنا ویوہار ہے کہ نہیں جب آتما کے لیے مندر آتا تم تو آئے ہو سنے تمہارا تو چار دینی کا مندر ہے سبھی مندر آدم پھر روڈ کرنے کی مندر الگ ایک بھی آتما کا درشن کرنے کے لیے مندر آتا ہو تو بولا روڈ تیار ہے تو نیک مندر ہوا نہیں نہ مندر ہوا بیس مندر تو ہم سبھی نے ہوا ہے چائے کے لیے چائے پینے کے لیے پانی پینے کے لیے دوائی لینے کے لیے ناشتہ کرنے کے لیے کھیت پر آئے ہو بڑے بھاگی سے سوچ کھیت میں آ جاؤ کون سی ہے سوچ کھیت جہاں بھوک نہیں ہے جہاں پیاس تھا ہم بھوک لیں بیاس نہیں کھیت پر آ گئے وہاں باغی تھی اب سوچ کھیت میں آؤ راج چند نے دکھا دبنے کا دور ہوئی بھاؤ نیتا کو دور کرنے کا پریاس کرو اجالا ہوا اب بھی گیان کا اجالا کرو جس گیان میں تمہیں گائک دکھا تمہیں دکھا وہ اجالا کرو اندھیرے میں کچھ اور ہے اجالے میں کچھ اور ہے جیسی کی جیسی چوکھٹ لگی جیسی کی جیسی دروازے ہیں جیسی کی جیسی دیوار ہیں اندھیرے میں دکھتی نہیں اجالے میں دکھنے لگی اجان میں اور جان میں صحیح میں کیا انتر ہوتا ہے کوئی انتر نہیں اجانی کو صحیح ہے انت کو بھی صحیح ہے کتنا انتر ہے بولو جانی اس شریر کو اپنا نہیں مانتی اجانی اس شریر کو اپنا مانتی ظاہر ہے سوچ رہا ہوں اور پکے رشتے ہیں تم کیا بھائی کیا چار سگی کیا دو مجھے آ گئے اور جی سب ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم سب سگے بھائی ہیں جنوانی ہماری ماتا ہے انت ہمارے پتا ہیں اور سگا پن کیا کرو گی لیکن سوچو گی نہیں ہم سگے ہیں سگے مانے جی ہمارے سگے جی بے سگے دو بھائی تھے دونوں مل کر کے ویاپار کرتی تھی ایک ساتھ بھوجن کرتی تھی ایک دن آم کی فصل آئی آم لے کر کے بڑا بھائی آیا گھر کے دروازے پر ہی لڑکا مل گیا اور بھتیجا مل گیا انہوں نے کہا پاپا آم اس نے بھی کہا چاچا ہم اب ایسے کر دیا بڑا ہم اپنے لڑکی جو اور چھوٹا ہم
بدیه اوبالی بھائی گا کوچین کا کھانا بوجن دیا بوجن کرنے کا دکان پہنچی دونوں بھائی بولی آج بٹوارا تھا لوپنا کہا ہوئے گا کہا ہوئے گا کہا نہیں ہوئے گا ہاتھی پڑ گئے वैद्य विज्ञान हुआ आत्मा को जाना क्या नहीं आना उसने शरीर को भी नहीं आना राधा जी को ये नहीं आना आत्मा जाने और पर जब को दुखा सुखा कारण मन गया पर जब भी को सुख दुख का कारण माना तो आत्मा नहीं आना बड़ी समय से पूजा में गागा करके पढ़ेंगे अब तक अगड़े चक गर्दों से और शांत करने का उपाय नहीं भोजन एड्रेस मिल गया आज तो फिट आ रही ऐसी आती है हम कहते हैं पेट भरी को बहुत बढ़िया बात बात हो गया कहाँ बारा खाली का खाली सभी जो होगी खाली शाम को फिट असा गोड़ दिखाई सर्दी खाली काली का खाली गा बजा करके पढ़ेंगे अब तक अगर एक कर्तव्यों को प्रभु न मेरी शांत हुई और ही शांत करने का उपाय करेंगे तुम्हारी क्या बात कहें हम नारायण कृष्ण बेछुड़ी एक तीर के नगद कर्जों की बिना गई काया जंगल में थे एक तीर लगा चंद्र कुमार का और काया बिन से बे पानी ले पाए बलबद्ध पानी ले पाए नहीं जाए धन छूट के लिए धन छूट छोड़ के लिए हेडफोन दे पाया नहीं वो तब तक दे बन गया ये तब तक कौन कहाँ है लेकिन ग्रंथकार ने कहा कथाकार ने कहा नारायण कृष्ण बलभद्र ने पहले ही कहा जब तक मैं तुम्हें पानी लेने जाऊं तब तक जीवन बचना मत का स्मरण करना जीवन बचन का स्मरण वही हमारा पानी है वही हमारा भोजन है बड़े भाग्य से ब्रह्मचर्य में आया क्या है ब्रह्मचर्य पढ़ा हुआ ब्रह्म कुमार को वैराग्य हुआ और ब्रह्म कुमार जानने लगा तो अपने पिता से बोला सुनो मुश्किल भी हमने उसे लेकर के वैराग्य हुआ वहां जगा पाए अब फिर जागीर करेगी जैसे कोई शुद्ध स्वादिष्ट उत्तम भोजन का आस्वादन करा हो और कोई आकर ही जैर की बुढ़िया सुना दो तो भोगों की प्रेरणा करके हमें जैर मन फुलाना
परम कुमार ने अपनी पिता से कहा, दूसरा दृष्टांत उसी ने दिया, जैसे कोई मुश्किल से किनारे पर आया हो, कोई पकड़ करके डंकर आपको बीच पर ढूंढा दे। भगवान कौन ने कहा, मुश्किल से हमें बेरा कहा हुआ, आप लोगों की प्रेरणा करके हमें बीच समुद्र में मार पटेल। तीसरा दर्शन दिया, आके जो आके गिरी से मुश्किल से कोई किनारे निकल पाए और फिर आग में उसको झोंक दे, मुश्किल से हम राखी आग से निकल कर ये यहाँ आए, हमें रात की आग में झोंकर ये शत्रु का कार्य नहीं करना। वरुण कुमार भी कर चलिए, कितनी सुंदर बात है। हम कहते हैं ये पढ़ना ही नहीं चाहते, हम इतने ऊंचे मान लिया देव को कल्पना में, कहते तो अच्छी बात है, मैंने बना स्वाद रखते हैं, दुकान पर बैठ रखते हैं। एक बच्चे से कहा, बेटा यहाँ स्वाध्याय किया हुआ, बोली कहा स्वाध्याय करें, आप तो कह रहे स्वाध्याय करो, ये तो जानते हो नहीं, जीवन में नहीं उतार पाए। हमने कहा तुमने कभी विचार किया, जितने कपड़े रखे हैं उतनी ही बनवाए, नई कार को सिलवाए, जितना धन है उतना ही नहीं भोग पाएंगे, नया कार कमाए। आपकी केवल भूख चार रोटी की और 50 आपकी थाली में खोलेंगे, इतने खुआ आप कहोगे नहीं, कभी सोचा इतने परे क्या होगा। आत्मा की शक्ति इतनी है कि परमाणु मात्र की जरूरत नहीं है, परमाणु मात्र के बिना आत्मा परिपूर्ण है, अपना कार्य करने। लेकिन हमें तो दुनिया के कार्यों को अपना मानना है। सच्चा की भूख आत्मानुशासन में लिखा ऐसी है जिसके सामने विश्व की सारी सामग्री भी उनके समान है। बहुत छोटा और गड्ढा कितना बड़ा, जिसमें विश्व की सारी सामग्री समाया और तो भी ऐसी गड्ढे बहुत हैं, इसके हिस्से में कैसे आएंगे। पहले भी कहा था भैया प्रज्ञा का प्रमाण कर लेना चाहिए, बहुत पवित्र स्थान पर आए, पवित्र भाव रखना चाहिए और आपका लक्ष्य रहना चाहिए, ये नहीं होनहार पर मत छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी दशा बाबा जी की उस चूहे की तरह हो जाएगी। चूहा आया और बिल्ली भी आई, चूहा जर से बाबा जी की ने रोटी मंगोचे गड्ढा लगाया, बाबा जी ने उसको कुत्ता बना लिया, अब तो नहीं डर लगेगा, अंत में शेर बना दिया, अब शेर बन करके बाबा जी पर कुड़ा बुना मुझको बाबा, बाबा जी ने कहा बुना मुझको बाबा, फिर चूहा हो तो निगोद से निकल कर ये मनुष्य अध्याय में आयो, पुनः निगोद दिया बाप, क्या करें, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत पुण्य लेकर ये आयो तब यहाँ बैठे हो, अब क्या करना चाहते हो, उस पुण्य को ग्रास करके कहाँ जाना चाहते हो।
खाने का ठिकान नहीं, रहने का ठिकान नहीं, अरे शरीर भी पूरा नहीं है। एक सांस में आत्म से बाहर, जन्मो मरो भरो दुख बार, ये दशा है। कहाँ जाना चाहते हो? कोई झंझट बड़े हम तो त्यागी हो गए, अब कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं। ताई भाई इसलिए तुम त्यागी हो गए, पहचान मत पढ़ो क्या लिखा है, संसार के दुख विचार करके उदासीन हुई, वो कोई शक्ति चिंता नहीं है। आत्मा का सुख विचार करिए, उसकी वृद्धि करने के लिए उदासीन हो, भूगोल करो। अभी हमने कहा चक्रवर्ती जंगल में गए, हवा खाने थोड़ी गए, ऐसी बढ़िया सब देंगे भोजन की चढ़ा वन की रहो क्यों बात। तुम कैसे बैठे हो निश्चित हो गए, सोचो कुछ कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, बैठे जाओगे सभी समझाते ज्ञान से लेकर के मन तक सत्संग पड़े रहोगे, सो भी हो सत्संग खा पिया खा पिया। एक व्यवस्था आप लोगों ने बहुत खराब की, सत्संग बिना स्वाध्याय बिना दर्शन अधूरा, सही बात है, लेकिन सामाजिक बिना स्वाध्याय अधूरा, तू लोग क्या करोगे। हमने तो पार्टी बनाई पक्ष बना दिया, ये हमारा काम है, ये निकाल काम है। गुरु महाराज हमारे क्या कह रहे हैं किस पर ध्यान देना है, कहाँ कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, जोर से कह रहे हैं, धीरे कह रहे हैं, ये नहीं सोचा। क्या कह रहे हैं ये सोचो, इब्राहिम लिंकन आप जानते हुए जानते हो कि नहीं, इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति का कहां का, अमेरिका का राष्ट्रपति जानते हैं। अरे भगवान आप वहां कब जानोगे, अपने को भगवान आप वहां कब जानोगे, जो जानता नहीं आत्म को अनात्म को नहीं जानता। इब्राहिम लिंकन ने अपने बेटे के लिए एक पत्र लिखा, क्या लिखा, माता पिता गोजन डांट के बुरा मत माना, अगर बुरा भी नहीं डांटेंगे तुम्हारी गलती के लिए तो कौन डांटेगा, अगर बुरा मानोगे तो बुरा हो जीवन बुरा हो जाए। माता पिता गुर्जर नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, हमें डांट दिया, अरे सुबह इतना प्रेम है तो डांट रहे, नहीं तो कौन डांटेगा। भगवान आत्मा कहकर ये पुकारा, तुमने भगवान कहा, और ये भी 14 जगह चादवादकार में अमरचंद स्वामी ने पशु का लीव का आई, ये मैं ये वातावरण है
جہاں لیتا چھوڑانے کے لیے ماتا آپ کی اگر ہو تو پونچھ لینا, وہ تو نارک بھی کھاؤ کائے کے لیے نالائکی چھوڑانے کے لیے. بیٹا میرا بیٹا تو راجا بیٹا ہے, راجا بننا ان کے لیے. जिनवाणी की भाषा को ऐसे समझो जैसे माता के बच्चों को अंगीकार कर दिए हैं. जैसे जैसे मतलब जिनवाणी माता है कि नहीं, और लोकोत्तर माता है. लोकोत्तर माताओं ने सदा सुराती दुनिया की माँ ये अम्मा हमें जगाती है. दुनिया की माँ तो सुलाएगी लेकिन ये माँ तो हमें जगाएगी. दुनिया की माताएं जन्म देंगी, बिजली होगी वो संस्कार भी बीत देगी, लेकिन जिनवाणी हमें जन्म लेना बंद कराती, संस्कार देती है. तुम जन्म मन से रहित अनदी निर्धन तत्व हो. अगर जिनवाणी नहीं होती तो कौन कह रहा था और कौन माना था. हम कह रहे बहुत पवित्र स्थान पर आए हो, भाग्य से भाग को दोष मत दो, भाग को उपयोग करो. ऐसी खेत बड़ा करिए भी हम सभी खाने पीने में लग गए. भैया ये बताओ ये रानी का स्वादय कहूंगे. एक भाई पढ़ रहा हाँ जी पढ़ वो भी पढ़ रहा संग. हमने कहा तुम और तो जाओ संग, हम क्या जब बरसा संग हो. कैसे संभव है आज प्रकृति से छेड़छाड़ कोने की, बस उसका फल लोगों रोग भयानक हो गए, प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई आपकी, कसाई की प्रतिरोधक क्षमता भी कम है. कसाई को हम छेड़ नहीं कर पाती जरा सा बच्चा भी, उस शिक्षा का क्या होगा. पहले अध्यापक बच्चों से डरते थे हैं? अरे बड़े कर्मो बच्चे अध्यापक से डरते हैं, अब बच्चों से अध्यापक डरते हैं. तुम पढ़ने हो पढ़ो और नहीं पढ़ने हो शिक्षा की जो दशा हुई अध्ययन शिक्षा कैसे हुई. गिनाया जो ये व्यवस्था लोग इनकी व्यवस्था में कुछ कमी रह गई तो रूट रहे चले हैं, आएंगे नहीं फिर. अरे दस कम बैठे हो ऐसे हमें क्या फर्क पड़ेगा. ये सोचो नहीं आएंगे तो किसका बुरा करेंगे अपना. लेकिन आज तो ये दशा हो गई कि तुम हमें रोटी बंद खवाओ हम तुम्हारे एक ही लगाए. क्यों समाधि का मूल समय दर्शन है, जाति का मूल समय दर्शन है, ब्रह्मचर्य का मूल समय दर्शन है, उसका ठिकाना. एक भाई आए बोले विकल्प कैसे मिटे,
हमने कहा मोह तो मिटो विकल्प हमने किए, मान लिया हमने। विकल्प कैसे हुए? कहाँ जाओ? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मित्र देश की मौत दौड़ संयोग तक। तुम्हारा उपयोग कभी ये चाहता है ये मंदिर जी ने हमारे एक बाइक 90 वर्ष की गोलगंद बाइक, कोई काम हो रहा हो मंदिर में अपने आप पूछती जी कहा हो रहा हो कहा बेटी जी हो क्या मीटिंग कर रहे कहेगी उन्हें बता क्या भाई तुम्हें क्या मतलब क्या मतलब क्या करने हम बताएंगे गल बनता क्या चौकी बने मंदिर में चौकी नहीं बोलिए कमाई और इनकी घर पानी भंडार बड़ी क्या करूँ ऐसे मन्नत की और ऐसी खर्च करती कोलका वो भाई कहती थी मंदिर में खेती तो नहीं होती व्यापार तो नहीं कर रही बहुत वह बांधती है जो धर्म कार्य को भी व्यापार बनाती हम तो इन बच्चों को सिखाएंगे भैया ऐसे स्वाध्याय करो तुम स्वाध्याय कर रहे हो तो चौकी लगाओगी चौकी लगा भैया ये आए ने जूर से बन जाओ हमें सुनाई ये तुम्हारी मनाई पाई नहीं सुनाई दी माई का ये जिम्मेदारी तुम्हारी है हमारी नहीं है हमें दिखाई दे रहा नहीं है तगड़ लगाई ये जिम्मेदारी तुम्हारी है हमारी नहीं लेकिन अगर नहीं लगाए तो भी मेरे कोई आता नहीं कोई कुछ समझता ही नहीं और फिर जानकारी की बात नहीं कर को जो भी हो गया अन्य गाँव को सिद्ध बाहर से कोई विद्वान आ गया उसके लिए सब करेंगे अपने लिए नहीं करेंगे। अरे भाई ये सोचो तुमने अपने को समझ जा लिया ऐसी बात करोगे कर ली तुमने धर्म की भावना सर बनो संतोषी बनो तब ब्रह्मचारी बने भावे झूठी बनाती रहोगे बहाना बनाते रहोगे तो कभी भी धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। समय दर्शी बनो ज्ञानी बनो ध्यानी बनो बलवान भी बनो तब तुम कर पाओगे। अज्ञानी बनोगे तो हम ज्ञानी बनना नहीं चाहते अशुभी होना चाहते लगे उसी दिशा में सोच देने और ज्यादा समझ बस एक घंटा प्रवचन कर ले अलग बात है तो सुना जाओ हम सुन रहे हैं ये कोई मनोरंजन का हिस्सा नहीं है ये कोई पैसा नहीं है कि तो जिनवाणी है जिन शास्त्र है आप लाइब्रेरी में जाओगे अच्छी में तो ये हो जाएगा
क्या लिखाओ विचारो चाहे परोकम हमें हमारे यहां भी लिखा गुरुओं की कई हुए अतो अंतन बारंबार विचारता है सुनने की बात इतनी चीज हमें भी प्रोग्रामा जी ने क्या लिखा मुझे इन बातों का निर्णय करके कुछ भी आए तो सुख करना क्यों सुना नहीं है मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कितनी बातों का मैं कौन हूँ मेरा क्या स्वरूप है मैं भगवान आता हूँ अच्छा दासान दास कैसे कौन बने बोलो तू अपने को भगवान आते हो समझेगा वो ही दासान दास होगा भगवान का जिसको बहुत भक्ति हुई उसी को समय दर्शन होगा जिसको समय दर्शन होगा उसी को सच्ची भक्ति आएगी क्या करें इन ज्ञान आलसन साक्षण कैसे क्या करें हम उत्तर भी करें इन ज्ञान क्या करें पूछोगे हमसे और करोगे मनी की क्या तुम सुना जी ये मत पूछो एक डॉक्टर था बहुत दिन हो गए अब तो शांत हो गए हो डॉक्टर भी शांत हो गया मर्जी शांत हो गया मर्जी शांत हो गया डॉक्टर ने पूछा एक दिन मरीज है दूसरे मई दिखाने आया हुआ तीसरे मई उन्हें कहा तुम कैसे क्या हो क्या छोटी दुकान है अच्छा तो ठीक है दुकान पर कमा दे आओ कहा में दीजिए आओ ऐसे ठीक नहीं होगा ये मज खान पान आपको बदलना पड़ेगा यदि आप बदलनी पड़ेगी दस दस बजे इसको खरी उठोगी ऐसे तो बनेगी हो दबाई गवा बस पर जियो अगर सुखी होना है तो सम्मी दर्शन प्रकट करना ही होगा सम्मी दर्शन करना है तो मोक्ष होना ही होगा एक बार की गिरा छोटी छोटी कमरे खंडर खंडर हो गए मीटिंग बैठी इन कमरों को तोड़ दिया जाए बिल्कुल जी तोड़ दो हर सम्मति से प्रस्ताव पास हो गए दूसरी यहाँ हॉल बनाया जा प्रस्ताव पास हो गया पंखी जगह कानपुर की प्रस्ताव पास हो गया ये सीमेंट लगा ये सरिया लगा मीटिंग बड़ी आनंद में समाप्त हो गई एक जने बोले बोले हमारी एक बात सुन दे जब तक नया भवन न बने पुराने की मन को इसको खंडित न किया जाए अब बता तब एक मन जब तक हॉल बन न जा फिनिश ना हो या तब तक कमरे को तोड़ी न जा मीटिंग का क्या हुआ बाहर निकाला पांच मिनट बाद तो पूछो क्या भाव और बारह बजे रात तक बैठी रहे क्या भाव अगर डिनर नहीं हुआ तो मीटिंग असफल
और निर्णय हो गया तो मीटिंग सफल, तत्व निर्णय नहीं हुआ तो हमारा सोचा असफल, और तत्व निर्णय हुआ तो सोचा सफल। ये सोचे रहो कब हो मीटिंग, चार घंटा बैठे, चार दिन बैठे, फायदा कब हो? मेरा कुछ हुआ कि नहीं, क्या कुछ नहीं। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुनते रहे, लेकिन हमारे जीवन में अगर निर्णय नहीं हुआ तो सच्चाई की सार्थकता नहीं हुई। तत्व निर्णय हुआ तो सच्चाई सफल हो गया। अभी शांत हो गए बुजुर्ग, भजन पढ़ती थी जब जले निकलती, रहता था मेहमान जी क्या कहती हो तुम, जब निकले तो भी पहले या भी खड़े हो जा, बोली नीना सफल भाई बे गए, उनकी साथी भजन चला गया, नीना सफल हुई, आए आपके दर्शन करके नीत सफल हो गई। पहले संत कदम नहीं बड़ी, अदबी सफलम जन्म नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, लेकिन नीना सफल हुई। हे भगवान, हे गुरु, आपके बच्चों को सुनकर ही हमारी कान संपर्क हो गए, इतना हो भाव, जितना बैग उल्लास जिन वाणी सुनने में आना चाहिए। एक प्रथा हमारी चल गई ऑनलाइन, हमसे भी कहा था भी पहले हमारे तक तो ऑनलाइन, वो कौन चल गया उसके आगे ऑनलाइन, तो बहुत बिजी हो, यहाँ प्रचार करें सबको सुनाए, बहुत प्रचार होगा, ध्यान रखना। एक योगी जंगल में बैठा हुआ, गुफा में बैठा हुआ, चेती भावना करेंगे हम प्रचन करके उतनी पावना नहीं कर पाएंगे। हमने सुनने और सुनाने को मान लिया, बहुत पावना हो रही, ऑनलाइन का कौन नहीं आंदा ऑनलाइन के दुष्प्रभावों को, लेकिन हमारी इतनी सुविधा हुआ है, हमारी इतनी सुविधा हुआ है, एकाध बनने की पड़ी। हम पूछ रहे हैं चेतन सोते हुए हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, जैसे आप अपने लिए साधक भोजन बनाता है और वो नाचक उसी में से स्वाध्याय उसी में से भोजन देगा कोई और, ऐसे आपको अपने लक्ष्य स्वाध्याय करना चाहिए औरों को तो विश्वास दी गए टोटल मजीन का तो थोड़ा बहुत हो गई, उनका भी अलग है। इस लोग में मत पड़ियो और हमारे गुरु भी लोभी होती है, कौन सी धर्म की याचक होती है, दीक्षा की याचन करेंगे या प्रश्न की याचन करेंगे, शंका कुछ नहीं, शंका दो को नहीं होती, या तो सर्वज्ञ है
နိုင်တော့ကိုချင်းရင်းနေအကူကြီးပါသမဏန်ဆိုင်ခံကဝန်မကြီးအကာသမဏန်ဘီစောတဲကံလေလေကင်းရီးကြရီးဝီနီဘတ်တော်သူတို့ကဲ့သို့ဤဘာကြီးပါတဲ့သာစကိုလေအံရဲ့တဘယ်ကြဲဘိုင်ဘိုးလေးသူတို့ကိုချောသာနီကိုချောသာမောဖစီရဲ့ဒါပါရကြီးဓာန်ကြီးကဒီကသာကြီးအမနောနာကြီးနင်းတယ်ကိုယ်ချောသာမင်းရေရှိအမရိုက်တော်သူဝသာဘုရားကြီးပြကလဲနေကြခုအမေဘာမကြီးအောင်တည်းအနိဘုရားအပ္ပနာရေကျော်ไว้နိကုကောလေးไก่ဧကျာကြီးပြကတဲ့ညမကန်နိုင်ယသုံးကြီးနှဖာไก่နဇန်ไก่နေကြခုရေပြကတဲ့သောပင်နေဘောလို့ရ။အမိုင်းဒုက္ခနဲ့ဒီဒုက္ခလည်းရှင်ရောပဲ။အမားရဲ့မကျင်းဒီဒုက္ခလည်းရှင်ရောပဲ။ और နေကြကူဒီဒုက္ခလို့ပဲ။ဟဲ့ဒုက္ခ။ लेकिन किस के लिए ဒုက္ခရဲ့ဒီဒုက္ခပဲ။ तो इस ဒုက္ခကိုမန်ပေးတော့အလုပ်ကြရဤကလေးဒီကစားဤကလေးဒီကစားရင်းသောဒုနီယာကြီးဒီကစားဘယ်ဓာနေဘဝရကိမပါဘောချုံကြီးခဏပြီးနေခြင်းဟောဒီဒီကစားနေကြအပ်ကိတင်ကဘယ်ပြနေသောपहले भी दस संगिया बने ऊपर कमी बने एक कम कर बनी है कमी जो बनी है वो बने हम सजा ऐसी कोई भी नहीं है तो कमी तो बनी है ऊपर की कोटा बना रहे और बने हम सजा पहुंचे साली में ये दस संगिया जब धान की ऊपर का छिलका नहीं होता है तो भीतर की लाल भूसी कैसे उतर जाए ये बड़े आदमी कह गए जिन्हें दस पांच हजार दम गए तो काल हो हरी दस पांच हजार में दे दिए अरमान से दे दिए कोई मतलब भी नहीं कर देने का और तुम तो बिना दिए अजमान कर दियो अजमान कूटा है देना कूटा है अजमान कूटा है तुम बिना अजमान के दे दो इनमें दस पांच हजार है बड़े आदमी तुम दस पांच रुपये दे दो लेकिन नहीं अरमान की थी दूसरों के दोस्त कब तक दे रहे कब तक लगा दे रहे अपनी दोस्ती करने के लिए प्रयास नहीं करोगे सीधा प्रश्न प्रश्न हो गया हो जाएगा बोलो और कुछ सीधा प्रसारण लिखा है क्वेश्चन नंबर का आत्मान शब्द सुनते हुए सीधा सीधा हुआ सीतर ग्रहण कर ले अब को ऐसा बंसी के सामने चमनी लगे हो जी कैसा है आपका फोटो है इसमें क्या पहने हो जी मालूम नहीं अब गोरे काले मालूम नहीं मोटे बदले नहीं मालूम नहीं ऐसे मन ऐसे
سجن دیوانی کے لئے ہوتا ہے. جو ایسے ہیں وہ سیدھا اپنی بسے کو گرن کریں بالوں کی جو ایسے چھوڑ رہی ہیں انت کی چونچ پانی اور دودھ کو لگ رہی اور پھر کری بھی لگ رہی تو ان منتا رہتی نہیں انت کی چونچ اتن پڑی اور دودھ کو گرن کر لیا اور پانی پانی کو چھوڑ لیا. ایسے جانی کا ہے اس نے اپنے بیٹے کو گرہن کر لیا یا گوا کو اور پھوٹکر پھوٹکر کو چھوڑ دیا. کچھ بچار کرو کر بچار تو بس ہماری بیچاری شکتی بہت کم ہوئی. جب بھوک لگے تو یہ سوچو یہ بھوک جن ہونے کے سودا ایسی مٹے گی سچ چنتن سے مٹے گی سنتا سے مٹے گی کھانے سے تو نہیں مٹے گی. اب تک اگلے کیا دبوں سے تو بھوک نہ میری چاند ہوئی. پیاس لگے تو یہ سوچو یہ پیاس کیسی مٹے گی پانی سے تو نہیں مٹے گی. یہ پیاس مٹے گی کیسی پرچن سال کی بات کہی پونی کی تسمنا چانتا آباد ہے پرنتو اجانی کو جانی کو پونی ہوتا ہے پونی کی تسمتا نہیں ہوتی. پرچن ناگن جن رنگ کے لہجے کی آب ہے جانی کو پونی ہوتا ہے لیکن پونی کی تسمنا نہیں ہوتی. بچار کرو سنو سمجھو